आज एनडीए के 5 क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि आज बच्चों को एग्जाम है, सोच रहे कि बहुत इजी हो जाए इसीलिए हम इनको बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सिक दिया हुआ टेन दिया, इसको हम क्या कर चेंज कर सकते हैं। इसको कॉस में चेंज, 1/cos चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर फाइन 1/cos कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1+sin हो जाएगा आपका, आई बाई कॉस हो जाएगा। इसको हम इस तरह का चेंज करेंगे, 10 के रूप में चेंज करेंगे। तो इसको 10 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम 10 में चेंज करने के लिए कॉस में ध्यान देना जरूरी है, इसमें कॉस में चेंज कर दें तो हमको इजी तरीका से आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 1+ इसको करेंगे हम, चलिए हम देखते हैं इसको। तो यह आपको चेंज कर सकते हो 1/cos साइन प्लस साइन साइन एक्स बाई कॉस, इसको सिम्प्लीफाई किए आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे -19 लेंगे तो कॉस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको कहता है कॉट पाई बाई 4 -x/2 हो जाएगा। तो इसको फिर 90 से माइनस करेंगे तो 10 बदल जाएगा। तो 10 ये कहता मतलब हट जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जस्ट का x आ जाएगा, इसके साथ इसका x²/4 हो जाएगा या xc हो जाएगा, मतलब आपका आंसर ये आ जाएगा। बहुत शॉर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इतना। तो मतलब कि पॉइंट इंटरसेक्शन करें, दोनों पॉइंट जो है काट रहे वहाँ के पॉइंट से इसलिए बन रहे थे। इसका मतलब कि हम देखें जनरल इक्वेशन होता है जब दो लाइन काटता है तो उसको हमें जनरल तरीका बताया था लेने के लिए, 2x-3y+7 यहाँ पर हो जाएगा, लेमडा ले लेंगे, यहाँ पर 7x+4y+2 हो जाएगा। अब ध्यान देना इक्वल टू 0, यह इक्वेशन उस लाइन को जो यहाँ से पास कर रहा है और यह पॉइंट से पास कर, जब यह पॉइंट जब पास करे इसमें डालेंगे तो इसका लेमडा माना जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, यहाँ पर x लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा आपका 11 में से जाएगा 2 9 तो हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा लेमडा, या इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 15/28 हो जाएगा। इसका मतलब लेमडा का मान जो आ जाएगा आपका -2/28, मतलब लेमडा का मान 1/14 हो जाएगा। इसका मान पुट कर देंगे तो इसका मान पुट करना 2x हो जाएगा 3y+7 तो हो जाएगा -1/14 तो हो जाएगा यहाँ पर 7x+4y इतना हो जाएगा। इसमें गुना करें तो हो जाएगा 20xx माइनस हो जाएगा यहाँ पर 14 42 हो जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा यहाँ पर 49 माइनस हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा आपका 4y- हो जाएगा 2=0। इसमें कटाएंगे तो 20x हो जाएगा, इसमें ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा 38 हो जाएगा, उसके बाद इसमें नहीं 36 हो जाएगा 46 माइनस है माइनस है, इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा, तो ये आपको इक्वेशन आ गया जो अगर अदर हो गया बहुत इजी है। अगर आपको है ना इसको बनाना है, इसको रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना था इसको पहले 10 में चेंज करता है, 10 में चेंज करते हो जाएगा इसका हो जाएगा 10 3/4 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा आपका 7/4 1/7। इसको क्या करेंगे 10 इनवर्स में चेंज करेगा तो 10 इनवर्स जो हो जाएगा आपका 3/4+1/7/1 -3×4×1/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 4y हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28 में से 3 जाएगा बाई 28 कट जाएगा आपका, ये होगा 25/ हो जाएगा आपका 25 मतलब कट गया। तो 10 इनवर्स जो हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 4π/4 हो गया आपको। अगला जो क्वेश्चन है आपको कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ द का इतना इन द फॉर्म इज डन डिक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर में ऑफ एक्स, इसका पावर डिक्रीज कर रहा है एक्स पावर में, डिक्रीजिंग पावर में इसका पावर डिक्रीज फॉर्म में लिखना है। इफ द सम ऑफ द का फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म, तो अब ध्यान देंगे जो फिफ्थ टर्म इसके लिखेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म जब यहाँ लेंगे तो एक्स के मान हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस हो जाएगा 5 आई वाई हो जाएगा, समझ गए, ये फिफ्थ टर्म होगा। अब उसमें से क्या कह रहा है कि दोनों को घटा देना, बस इसका इसका मान हो जाएगा 5 माइनस करेंगे इसका 6 टर्म लेंगे तो दोनों के यहाँ 6 तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 6 टर्म में तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे यह हो जाएगा आपका यहाँ पर करेंगे तो इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा तो यहाँ सी हो जाएगा, यह इतना हो जाएगा, यहाँ से पार्ट निकाल लेंगे कॉमन वाला जो पार्ट है, जब कॉमन पार्ट निकलेगा यहाँ से तो यहाँ से एक एक्स बच जाएगा, एक्स पे पावर माइनस यहाँ पर
एन पे पावर हो जाएगा सिक्स, अब फाइव निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन सी, यहाँ पर वाई बच जाएगा, सो जीरो हो जाएगा, तो इस कहानी ख़त्म हो जाएगा, ए आवाज आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इधर ले जाएंगे इसको, तो एन सी सिक्स वाई हो जाएगा, एन सी फाइव एक्स हो जाएगा। अब एक्स वाई निकालना मेरे को, एक्स और वाई के मान निकालना, तो इसको भी भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका एन सी सिक्स बाई एन सी फाइव, ये हो गया, ये घट रहा है, तो इसका मान जो हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हो जाएगा, तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा एन सी सिक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको तोड़ेंगे इन दो सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा, बाई इसको करेंगे तो एन फैक्टोरियल बाई हो जाएगा एन फाइव हो जाएगा, इसको एक तोड़ देंगे सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा, इन टू हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, ये कट जाएगा इसलिए कट जाएगा, या इसलिए कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, या नीचे सिक्स फैक्टोरियल, या नीचे हो जाएगा एन फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा, इसलिए कटेगा तो कटेगा तो हो जाएगा वन बाई सिक्स, मतलब कि आपको हो जाएगा आपका यह यह ऊपर चल जाएगा, तो एन बाई फाइव मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा आपका एन बाई फोर है ना जी, एन बाई फोर बचेगा, एन बाई फोर एन बाई, यहाँ पर फाइव टर्म निकालना था, फाइव टर्म फोर हो जाएगा ना, यहाँ पर यह फाइव हो जाएगा, तो ये फाइव हो जाएगा, तो घटते घटते जाएगा, यहाँ पर फाइव टर्म कर रहा है ना, तो ये फाइव टर्म है तो फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, ये हमें घट जाएगा तो फोर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर फाइव हो जाएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, उसके बाद इससे कमन निकालेंगे तो वहीं बचेगा, यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, हो गया, उसके बाद यहाँ पर फोर हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आपका हो जाएगा इधर जाएगा ना, ये एक इधर लेके आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा, यहाँ फाइव, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा फाइव, तो इसका मतलब कि आपका यहाँ पर जो आने वाला है तो यहाँ पर एन बाई फोर है, यहाँ पर ही आ जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यह नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि एक टर्म यहाँ पर एक टर्म जो लेना है दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म वन लेंगे ना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, दूसरा टर्म इसको बोलते हैं, तीसरा टर्म इसको बोलते हैं, फोर्थ तीसरा टर्म ये बोल देंगे, तो चौथा टर्म इसको वन टर्म टू तीसरा टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा, फाइव टर्म बोलेंगे, और सिक्स टर्म मतलब कि दोनों का माइनस आने वाला है, तो सिक्स टर्म फाइव टर्म और फोर्थ फाइव टर्म हो जाएगा फोर्थ वाला के, और सिक्स टर्म तो दोनों का यह इक्वल हो गया, समय बात को, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म अब फाइव टर्म की यह रेशियो, तो यहाँ पर एन माइनस फोर बाई इतना आ जाएगा, समझ गए, तो ये आपको ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट इतना आया तो ये जीपी में है, अगर होगा जब होगा प्रूफ करना है, कह रहा है कि इतना ही अगर एपी में है तो देखा टेन, हम ध्यान देंगे टेन जो है टेन एक्स, तो इसको जाएगा प्लस टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा टू टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा वाई या जेड लिख लेंगे, यहाँ पर जेड, तो दोनों का करेंगे इसको फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो टू वाई बाई हो जाएगा वन वाई स्क्वायर टेन इनवर्स हो जाएगा, यह इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स जो हो जाएगा एक्स प्लस जेड इंटू एक्स जेड हो जाएगा, समझ बात को, या टेन हो जाएगा तो टू वाई हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा वाई, यह हो जाएगा। अब ध्यान देना इसको क्रॉस करवा देंगे, इसको क्रॉस कराएंगे इसमें गुना करेंगे तो टू वाई हो जाएगा, यह में गुना करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा टू हो गया, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा एक से ही हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एक से ही हो प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक से वाई जेड प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो इसमें एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा वाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद मेरे को देखिए इसमें से कुछ जेड कटेगा, इसमें से देखिए टू वाई आ जाएगा टू जेड हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आपको कॉमन जो आने वाला है इसके साथ क्या कीजिए दो दो है ना, तो इसमें से दो दो है इसमें दो दो इसको साथ भी ले सकते हैं, यूज कर लिया जाए या कह रहा है कितना है तो इसके यूज कर लेंगे तो टू वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, इसको एक्स जेड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पुट पुट करेंगे तो एक से
स्क्वायर जेड, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हम कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे, इसमें जो कॉमन निकालेंगे तो इसमें ध्यान देंगे इसमें टू वाई जो कॉमन निकलेगा एक से यहाँ पर हो जाएगा एक से एक्स और जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे इसमें से तो इसमें से कॉमन निकालें एक से अगर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स जेड हो जाएगा। इसमें से अगर जेड निकालेंगे तो हो जाएगा आपका वन वन माइनस हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। यह दोनों एक्स जेड का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पर जो यह तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ पर एक्स जेड इक्वल टू वन भी हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स जेड यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन ए भी हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर आपको दो ऑप्शन हो जाएगा। अगर एक्स जेड ध्यान देना जरूर है कि एक्स जेड अब यह अगर वन नहीं हो सकता है इसमें, इसका मतलब कि एक्स जेड अगर नीचे जो वन हो जाएगा तो डिफाइन हो, इसका मतलब कि यह नहीं हो सकता है, मतलब कि आपका याद हो इसका मतलब कि यह ऑप्शन केवल नहीं है, जिसका मतलब कि ए पी में यह हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। सही बात को तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा आपका यह ए पी में जो है टी हो जाएगा। सही है, तो बहुत इजी था। और क्वेश्चन हम लिखे थे आप लोगों के लिए, आप लोगों लिखे एक और क्वेश्चन था, चार गो नहीं इतने क्वेश्चन था, इतने हो जाएगा। ये बता दिए, ये भी बता दिए, आपको भी बता दिए, ये भी हमको बता दिए और ये भी बता दिए। तो देखिए क्या होता है कि बच्चों की आप लोग जो भाई एनडीए का एग्ज़ाम देने गए हैं तो आप लोग का अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, और उसमें जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन करने के प्रयास से नहीं करें। अपने माता पिता को जब बैठ रहे एग्ज़ाम सेंटर में तो पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पहले ही जाना है, और उसके बाद बैठ रहे एग्ज़ाम में तो कहता हुआ कि उसमें आप मतलब एकदम माता पिता और माँ सरस्वती को आराधना करके बैठिए, और उसके बाद जो ईजी क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए, जो सबसे ईजी क्वेश्चन है उसको बनाइए, और बनाने के बाद उसको कहता रंग लीजिए, और उसके बाद जो आपका हार्ड क्वेश्चन है अंतिम राउंड बनाइए, क्योंकि अंतिम राउंड में उसको बनेगा तो सही बात है ना, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बनाने के बाद फिर कहा तो फिर एक बार और चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद उसको आप मतलब कि देने के प्रयास कीजिए, इतने आप हिम्मत हारिए, क्योंकि आपको रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आपके दिन जो क्वेश्चन है आपको बताया गया था ईजी होगा, और हिम्मत नहीं आ रही आपको देखिएगा ईजी ही रहेगा, हिम्मत नहीं आ रही आपको रिजल्ट पक्का होगा। इतना करिए, इतने कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। आपका आज का जो मतलब एग्जाम बहुत अच्छा जाए, यही अपना माँ सरस्वती से आराधना है कि मेरे सभी जो बच्चे जो आज एग्जाम दे रहे हैं उनको मतलब कि जो मतलब संघर्ष किए उनके परिणाम के अनुसार मतलब अच्छे रिजल्ट आए, इतने का करवाने के विराम देता हूँ। हिम्मत नहीं हारिए, अब हौसला रखिए, क्योंकि हौसले से उड़ान भर जाती है, इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।